सभी देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 एवं राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम जानेंगे संविधान के बारे में। अगस्त 29, 1947 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नियुक्ति हुई। संविधान बनने के लिए संविधान सभा बनाई गई, जिसके अध्यक्ष स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और 114 दिन की बैठक हुई। भारतीय संविधान की वास्तविक प्रति प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के हाथों द्वारा लिखी गई थी। इसे इटालियन स्टाइल में लिखा गया था और हर पन्ने को शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया और व्यवस्थित किया। हाथों से लिखे संविधान पर 284 संसद सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी के संविधान से प्रभावित है। संविधान की शक्ति सीधे जनता से है, इसी कारण यह हम भारत के लोग इसी वक्त से प्रभावित है। वी द पीपल। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन द्वारा प्रस्ताव में जोड़े गए। इससे पहले धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द था। संविधान अपने सभी नागरिकों को जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबर दर्जा और अवसर प्राप्त करता है। भारतीय संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, 365 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। इसी के साथ हमारा भारतीय संविधान विश्व में से सबसे बड़ा और लिखित संविधान बन पाया। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से पहले 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ जानने को मिला हो, हेल्पफुल साबित हुई हो, तो आप सभी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सभी नागरिकों के पास पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि उनको भी ये सब मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।